वहाँ पे जाके ये जो टेंपल का हिस्सा है, जो पानी है ना, ये हिंदू कहते थे कि जो सिख थे या हिंदू थे वो कहते थे कि ये जो उनका शिवा था ना, जिसकी वो इबादत करते थे, ये उसके आंसू से बना था, इस तरह उनका कहना है। जब उनका वो सती वाइफ थी शायद उनकी, वो जो फोत हुई थी, उसके बाद वो जब रोए थे उस आंसू से ये बना था। ये मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, अभी देखिए आप बाकी व्यू चेक करें। तो गाइस, जिस तरह मैंने आपको बताया था, उनका शिवा जो था, जिसकी वो पूजा करते थे, उसके आंसू से ये झील बनी थी, जो भी आप कह सकते हैं लेक। तो मैं बहुत बहुत परेशान था कि अभी तक आंसू उसके कैसे आ रहे हैं। तो मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ कहाँ से ये पानी आ रहा है, तो मैंने आखिर फाइंड कर ही ली है, तो आओ आपको दिखाता हूँ। चलो, आज हम कुटास राज मंदिर पे आए हैं। आज का हमारा ब्लॉग है कटासराज मंदिर की सैर। हम आपको कटासराज, ये देखिए जी, ये है हमारे आस, इधर सामने नजर आ रहे हैं, ये मंदिर है जी कटासराज के। ये कंपाउंड, कितने मंदिर मिलके एक कंपाउंड में आते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे, शिवाय ना हो किसी की हिस्ट्री भी बताएंगे। शिवाय ना उन्होंने कहते थे पाप को, पाक को जिन्हों ये पादरी जी, हाँ हिंदी में गंडू कहा जाता है। इस तरह ये जो है मंदिरों की सैर कराएंगे, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। तो आए जी हमारे साथ चले, हम आपको दिखाते हैं और साथ इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। एक बजंदरी या भला भूले लाल सिदड़ी दामन राज लाल कर अली दा पहला अली हर। सामने जो बड़ा खूबसूरत नजारा है मंदिर के अंदर ही नहीं होगा, ये जो श्री शिव जी मंदिर है, और ये उसके नीचे बारह दरी है। ये पुराने जमाने में बारह दरी है मुगल बादशाह, और ये मंदिरों में भी ये चार दरवाजे के अंदर जो बारह दरी बनाई जाती है,
इसकी वजह नहीं समझ आ रही कि ये बारादरी क्यों बनाई जाती है। यहाँ पर ये इसको आप बैठक कह लें, यहाँ ये बैठ के मामला डिस्कस करते होंगे, या बंद कहें कह लें, या इसको फ्री फ्री का पॉइंट कह लें। ये देखेंगे कैसा खूबसूरत नज़ारा है और पौंड की कैसी खूबसूरत झलक है। ये लॉन है, ये शिवदेव का मंदिर। हाँ ऊपर चले सुंदर है, अभी आपने बहुत सारा विजिट करना है। देखा भाई टास राज टेम्पल चूहा सदर शाह म्यूनसिपल कमेटी का हिस्सा है जो कलर कहार रोड पर है और इसकी बुलंदी 2000 फीट है। ये एक दूसरे टेम्पल टिल्ला जोगिया से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। ये टिल्ला जोगिया भी हिंदुओं की एक मुतबरक और पवित्र जगह है जहां वो लोग आना पसंद करते हैं और हिंदू ज्यारत के लिए आते रहते। कटास राज मोटरवे M2 कलर का इंटरचेंज के नज़दीक वाक़ है। ये इंटरचेंज लाहौर इस्लामाबाद को आपस में मिलाता है। टेंपल का कम्प्लेक्स संस्कृत का लफ्ज कटासा से निकला है जिसका मतलब है टीयरफुल आइस। इस मंदिर के दरमियान में वाक़ इस तालाब के पानी को विस्कांत भी कहते हैं जिसका मतलब है पॉइजन स्प्रिंग, जिसे बाद में उमृत कुंड भी कहा गया है। उमृत कुंड का मतलब है कि पवित्र पानी। इस पानी को कटाश कुंड भी कहा गया है जो आखिर तक चला रहा। इस तालाब को उर्दू और फारसी में चश्मे आलम भी कहा गया है जिसका मतलब है सोरोफुल और टीयरफुल। ये जी पानी का चश्मा है जहाँ से पानी निकलता है, ग्रीन कलर का पानी है जी। इस मंदिर का हिंदू एपक यहाँ से महाभारत में बहुत अहम किरदार बताया गया है। यहाँ पंडारा ब्रदर्स ने अपना जलावतनी का वक्त गुजारा और पंडारा ब्रदर्स ने यक्षा के साथ एक रिडल भी खेली और एक रवायत ये भी है कि हिंदू बेटी कृष्णा ने इस मंदिर की बुनियाद रखी और शिवलिंग बनाई। इस मंदिर को 2005 में आए जी वजीर आजम हमें भी बताएं इस चश्मे के बारे में आपकी क्या राय है। विजिट किया के बारे मैंने पढ़ा था कि यहां मरम्मत का काम जब जिसकी वो हिंदू पूजा करते थे शिवा, उसकी जो वाइफ जब वो फोत हुई थी बताते चले कि जब वो रोया था उस हिंदुइज्म रोने से ये चश्मा बना था। मैंने इस तरह हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि कहां से असल पानी आ रहा है वो देखिए। 17वीं हिजरी से लेकर 10वीं हिजरी तक इस कटास राज मंदिर की तमीर और इसको एस्टेब्लिश किया गया। इस मंदिर पे हिंदुओं ने भी अपना राज किया। यहाँ सिख मजहब ये देखिए जी ये है वो चश्मा जहाँ से ये पानी आ रहा है। मैंने भी विजिट किया और यहाँ और आप इत्तेफाक कहा गया है जब सिख ये उस वक्त की बात है आई इस मतलब जब बड़े शरीर पे सीमेंट फैक्ट्री लगने से रजीत सिंह ये बातें देखिए आंसू वाली बात तो दिलचस्पी थी नहीं लगती दिल को वो यहाँ अक्सर जाया करता था। सीमेंट की फैक्ट्री लगने से ये नीचे से जो पानी आता था वो खत्म हो चुका है। अब ये मसूरी वाटर से इसको रंगीन बनाया गया और यहाँ जो साक्षी ये भी एक भेद था जो खोलना तो नहीं चाहिए था खुल गया तो चलो फिर खुदाई हमने आगे चले जी। असल में ये बात सुने इधर सुने भाई पाकिस्तान बनने के बाद हुआ ये था कि सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से पानी खुशक हो गया। ये पानी नीचे से निकलता था तो ये पिछले दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि यहाँ पानी फिल करो। जस्टिस साकब ने साहब ने पहले तो बहुत दूर ये पूरा भरा हुआ था तो मामू जाना आपके चले गए मामू साथ रहे क्या लिखा हुआ था कि मामू साथ रहे।
जी कैसा आप महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ हिंदू ज्यादा की आते हैं। ये सिलसिला 1956 में जारी था और 1960 तक, लेकिन बहुत मजा आया टेंपल को देख के। और सिलसिला रुक गया 1947 से लेकर 1956 तक लोग यहाँ आए हिंदू लोग। ये जो रात को होती है या रात को जॉनी हो जाती है के दरमियान, क्योंकि ये रुए फिर रही होती हैं इनकी हिंदुओं की। ये सिलसिला 1983 में शुरू हुआ जहाँ हिंदुओं को ज्यारत का मौका दिया गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा, ये 2008 तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब मुंबई में हमले हुए तो उन हमलों के बाद होता था मेला हुआ करता था, शिरकत के लिए आया करते थे। ये एक तरफ का इनका हज की ज्यारत ही होती है, जबकि अंदरूने पाकिस्तान से 2000 हिंदू यात्रियों को यहाँ आने का मौका दिया जाता है। 2011 में कराची से 2000 हिंदू तशरीफ लाए। अब यहाँ इस विरसा को महफूज कर लिया गया है और यहाँ बेशुमार लोग सियाहत के लिए भी आते हैं, मुसलमान और दूसरे लोग भी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर तवज्जो दे रही है, ये हिंदू औकाफ के जेर इंतज़ाम है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इस पर कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने इन मंदिरों की हफाजत का जुम्मा लिया हुआ है। ये बोर्डों में भी कुछ नहीं लिखा। ये हमारे सामने हनुमान का मंदिर है जी, कितना आप लोग थके हो? लोग आ रहे हैं, हम आपका वेट कर रहे थे। आप हम मेरे से बूढ़े हैं ना, इस वजह से आप कह रहे थे मैं सांस ले लूं, मैं फिर जाता हूं। हम तो बनाए हैं वीडियो कर। ये देखिए जी, जैसे हमारे सूफिया कराम की चिल्ला गए हैं, ये भी उनकी चिल्ला गई हो सांस फुला हुआ जी। हमने टेम्पल की खूबसूरती को बड़ा एंजॉय किया है। ये सॉरी मंदिर हनुमान का मंदिर है जी, ये सब ऊंचा मंदिर है। यहाँ चढ़ते हुए हमने सांस तो फूली, लेकर अगर जब रुके तो यहाँ ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि ये हाइट पे है 200 फीट, 2000 फीट की हाइट पे है। ये बड़ा ही खूबसूरत नजारा दिया इसने। ये देखे जी, आपको दिखाएंगे ये नक्शो नगार वाली बात, ये नक्शो नगार को पसंद किया करते थे। ऊपर वाला इसकी आर्किटेक्चर से तमीर किया गया है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल बड़ा अच्छा है और बड़ा मजबूत है। ये बंद है हनुमान का मंदिर है, ये उनका छोटा केज है। ये देखें जी कितना खूबसूरत दर्जे तमीर है, ये बिल्कुल हाइट पे है जी। और ये कारगर देखे
और चढ़ाइयां बिल्कुल स्टीप हैं कि सांस लेने का मौका नहीं मिलता, हर कदम पे सांस मन मन की हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ जाना भी होता है और जाना भी चाहिए, इधर से